Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अमेरिका में जो कुछ पूरी दुनिया ने देखा वो अपनी जगह पर हिला देने वाला है, मगर मुझे लगता है कि उस पर फैशनी जुमले ज़्यादा आ रहे हैं। क्या अमेरिका की जो डिविसिवनेस है किसी से ढकी छुपी बात है, और उस डिविसिवनेस पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों से काम लेके अपना काम चलाना चाहती हैं। ये है आज का ब्रेन बस का एक टॉप एजेंडा, और इसके साथ साथ बातचीत हम करेंगे भारत और चाइना की जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है वो बार बार फ्रूटफुल नहीं हो रही, उसका क्या कारण है, उस पर भी बातचीत होगी। और कतर सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो फिर से बहाल हो रहे हैं और उसमें क्या फैक्टर हैं वो भी बातचीत होगी। और अगर हमें मौका मिला तो इमरान खान का ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल ना करें, जो परसिक्यूटेड हज़ारा कम्युनिटी है उनको, ये अपनी जगह पे एक शर्मनाक स्टेटमेंट है। इन सब पर बातचीत होगी आज के ब्रेन बर्स्ट में डॉक्टर रणवीर शारदा जी के साथ। डॉक्टर साहब वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर, चूँकि हम नए साल में गालबन पहली बार चैलेंजिंग है साल, कोविड बढ़ रहा है दुनिया भर में, यहाँ पर भी, और हमने देखा 6 जनवरी को यानी आज से 2 दिन पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ा वायलेंस का एक्ट हुआ। उसमें क्या फेलियर है, क्या वजूहात हैं, बहुत सारे फैशनी जुमले मेरी अपनी ओपिनियन में आ रहे हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया, लेकिन क्या ये सूरत हाल इनफैक्ट एग्जिस्ट तो करती है, ये डिविसिवनेस तो है, आप कैसे बातचीत शुरू करते हैं? सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका स्वागत करते हैं और नए साल में उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी देते हैं, ताकि उनका यह नया साल बीमारियों से दूर रहे और उनकी अपनी आर्थिक स्थिति जो है वो बेटर हो, क्योंकि हालात जब इस किस्म के कोविड-19 के हो जाते हैं तो आर्थिक स्थितियाँ भी काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये हमारा संदेश है कि आप अपने आप को बिल्कुल ठीक रखें, बचा के रखें, और जिस ढंग से भी आप रहते हैं उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। दूसरा, हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम आपका है, आप इस प्रोग्राम को जैसे भी देखना चाहते हैं वैसे आपके हमारे पास कमेंट्स आते हैं, और अब ताहिर साहब ने पिछले कई महीनों से आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया कि आप डोनेट कर सकते हो, सिंपली ऑन tagtv.info पर जाके राइट हैंड को डोनेट का बटन मिलेगा, उसको आप दबाइए, किसी भी क्रेडिट कार्ड के साथ आप उस पर जो है अपनी डोनेशन दे सकते हैं। नया साल चढ़ा है, नए नए प्रोग्राम आपके सामने आने हैं, जैसे ताहिर साहब ने पिछली बार बताया था कि पैसा आए ना आए लेकिन जो हमने डिसाइड किया हुआ वो तो हमने करना ही है, लेकिन उनका मेरे से एक्सपीरियंस ज़रा कम है लाइफ में, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पैसा इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रन एनी प्रोग्राम। इसलिए मैं आपको ये दोबारा रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और आपको आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जो आपने आज तक हमारा साथ दिया, कि आप ज़रूर जाइए tagtv.info पर जाके आप अपनी डोनेशन जो है जितनी भी देना चाहें वो दें। ताहिर साहब ने एक बात की कि वहाँ पर सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड हो चुकी हुई है। ये सोसाइटी 1950 से डिवाइड होनी शुरू हो गई थी इन अमेरिका, और जब उस वक़्त मैकार्थीज़म आया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जबकि पता चल गया था कि सोसाइटी कितनी ज़्यादा एक दो फाड़ हो रही है। वो मैकार्थीज़म से शुरू हुई, उसके बाद निक्सन साहब आए, निक्सन साहब की वजह से इसका और जो है रंग बढ़ता चला गया। फिर इस तरीके से और जो जो प्रेसिडेंट आते रहे उनके अपने हिसाब से ये वहाँ पर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते रहे। फिर हमने देखा कि 9/11 ने हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया सॉरी यूएसए क्या सारी दुनिया का ही नक्शा बदल दिया।
द होल सिस्टम गॉट चेंज. सो 9/11 के बाद उस वक़्त ये इम्पोर्टेंस नहीं रह गई थी कि डिवीज़न क्या हो रहा है, राइट और लेफ्ट क्या ग्रुप बन रहे हैं. ये हो रहा था कि किस तरीके से आने वाले टाइम के ऊपर अपने कंट्री को सेफ एंड सेफ एंड सेफ रखा जाए. बुश की दोनों टर्में उसके ऊपर चली गई और उसके बाद हमने देखा कि और जितने भी लोग आए उन्होंने कोशिश की कि दुनिया में हम डिफरेंट ढंग से पीस लाने की कोशिश करें, लेकिन पीस आज तक आई नहीं. जिसमें आगे चल के मैं बात करूंगा कि नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे जो कंट्रीज़ हैं और चाइना जैसे जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जी इस पीस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा अड़ंगा डाला. अब बात करते हैं आपकी. आपने कहा कि देखिए ये देश जो है यूएसए, ये वहाँ पर डिफरेंट लोग बातें कर रहे हैं. देखिए ताहिर साहब, एक बात तो आपको ज़रूर ये क्लियर मान लेनी चाहिए. अब मुझे पता है आप ट्रंप साहब के बहुत भगत हैं. कोई भी प्रेसिडेंट कभी भी इंसाइट नहीं कर सकता लोगों को कि आप अभी इलेक्शन हम नहीं हारे. इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नाइदर वी केयर अबाउट द कोर्ट्स, नॉर वी केयर अबाउट द स्टेट अथॉरिटीज, और नॉर वी केयर अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली. अगर हम केयर ही कुछ नहीं करते, देन वाई टू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एंड जस्ट गो फॉर द ऑटोक्रेसी. दैट्स द प्रॉब्लम इज नॉट कि 6 तारीख को क्या हुआ. प्रॉब्लम यह है कि 6 तारीख को उकसाया किसने. 3 स्पीचेज हुई. जुलियानी की स्पीच का एक एक वर्ड में अगर आपको सुनाऊँ तो वो स्वाय आग लगाने के कुछ नहीं था. एरिक ट्रंप की स्पीच स्वाय आग लगाने के कुछ नहीं था. और जब प्रेजिडेंट ऑफ द स्टेट इज टेलिंग टू द पीपल, थाउजेंड ऑफ पीपल, मैं आपके साथ चलूँगा, वी हैव टू गो towards the temple of the democracy which is the capitol hill. कैपिटल हिल जो है वहाँ पर जैसे पार्लियामेंट हमारे हिंदुस्तान में होती है, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, उस किस्म की वो पार्लियामेंट है. इस पार्लियामेंट के ऊपर जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था, इस पार्लियामेंट के जो कि यूएसए की है, 1812 और 14 में लड़ाई हुई थी ब्रिटिश सोल्जर जो बचे हुए थे उनके साथ, उन्होंने इसको आग लगाई थी इस बिल्डिंग को. उसके बाद 1814 के बाद अब आप देखिए कि जाके उस बिल्डिंग की किस किस्म से तहस नहस जो है उन्होंने कर दी. बल्कि वहाँ के जो बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे वो भी लोग, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उसको उठा के ले गए. मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग जुलियानी, एरिक एंड ट्रंप साहब ने. एंड देयर शुड बी अ लॉ जो इनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर सके. अदरवाइज दिस विल be the worst thing ever happened. You are free to have your own views. Of course, doctor, इसमें किसी को मनवाने की बात नहीं होती. नहीं मनवाना नहीं, मतलब डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी में जो होता है ना वो डायलॉग होता है. हम चूंकि डायलॉग की स्पिरिट ही खो चुके हुए हैं इसलिए इस नहज पे आ चुके हुए हैं. बहुत मैं फ्रैंक बात करता हूँ. अच्छा अब देखिए बात ये है कि लॉ, आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि लॉ एग्जिस्ट करता है. इतने बड़े बड़े, अब तो सरकार उसकी नहीं है ना, जो आन 20 जनवरी के बाद मेरी बात ठीक है ना. 20 कोई बहुत दूर तो नहीं है डॉक्टर साहब. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10-11 डेज. लॉ एग्जिस्ट करता है ठीक है. कटहरे में आ जाएंगे ठीक है. कोर्ट्स वही हैं जहाँ पे उन्होंने दरखास्तें नहीं, कोर्ट्स वही हैं जो उनको कटहरे में भी ला सकती हैं. वो आप और मैं देखेंगे कि आइंदा आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी. मैं जो जोर दे रहा हूँ वो डिविसिवनेस पे जोर दे रहा हूँ डॉक्टर साहब. बात यह है कि ये जो सिचुएशन बनी है, ये जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, इसकी वजह से दुनिया अलर्ट हुई है. आपके सामने जो एक्सट्रीम लेफ्ट के खौफनाक प्रोटेस्ट हुए हैं ड्यूरिंग द पास्ट 6-7 मंथ्स में, वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचे, वाइट हाउस तक तो पहुंचे थे. यही प्रेसिडेंट ट्रंप थे जिनको बंकर में जाना पड़ा. तो इसका मतलब ये है कि दोनों आयल के दोनों तरफ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, आयल के दोनों तरफ शदीद एंगर है एक दूसरे के बारे में. मैं और आप अमेरिकन नहीं है डॉक्टर साहब, आप और मैं अमेरिकन से नहीं है, हम तो कमेंटेटर्स हैं. लेकिन अमेरिका चूंकि मैटर करता है पूरी दुनिया के लिए,
अपनी हरकतों की वजह से। अब अमेरिका में जो डेमोक्रेसी आप या कोई और दोस्त बड़े आइडियल देख रहे हैं, मैंने कभी आइडियल नहीं देखी अमेरिका में, ये मैं बहुत फ्रेंकली आपसे बता रहा हूँ। आपने मैकार्थीज़म की बात की थी, मैं 1856 से अमेरिका में जो कुछ हो रहा है आपके सामने हिस्ट्री किसी वक्त शो में खोल दूंगा, ये कोई पहला वाकया नहीं है फ्रेंकली, ठीक है। इसका मतलब ये भी है, एक पॉजिटिव बात भी है डॉक्टर साहब, कि अमेरिका इतना वाइब्रेंट समाज भी है फ्रेंकली। देखिए डेमोक्रेसी में जो हम आइडियल बातें सोचते हैं ना, बड़ी पीसफुल ये वो, ऐसा वैसा कुछ नहीं दुनिया में होता। अब दुनिया के पास ऑप्शंस कोई नहीं है ना, मोड ऑफ गवर्नेंस किस तरह चलेगी, उस मोड ऑफ गवर्नेंस में अमेरिका बहुत सारे प्रोसेस से गुजरा है और गुजरेगा और गुजरता रहेगा। ये जो कुछ भी वहाँ पे डायलॉग की अब शट डाउन करने की कोशिश होगी वो भी नाकाम होगी। नहीं, शट डाउन इन 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 व्हिच वे? मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त जो अमेरिका, इस वक्त जो बड़े लेवल का दुनिया का डायलॉग होता है वो डॉक्टर साहब मीडिया के जरिए होता है, ठीक है। मीडिया पे बहुत ही वन साइडेड नैरेटिव चलता है। इस वक्त मैं दावे से कहता हूँ कि दुनिया का जो 90% से ज्यादा मीडिया है वो लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट का रिप्रेजेंटेटिव हो चुका है, वो पार्टी बन चुका हुआ है। तो डायलॉग वहां पे नहीं हो रहा, एक ही मतलब अगर कंजर्वेटिव मीडिया है जो अब तादाद में बहुत थोड़ा है वो अपना कंजर्वेटिव राग लापता रहता है, और जो लिबरल मीडिया हैं वो ज्यादा हैं दुनिया में, वो अपना राग लाप ला रहे हैं, डायलॉग नहीं हो रहा। जैसे आप और मैं डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके ओपिनियन थोड़े डिफरेंट हैं, मेरे थोड़े डिफरेंट हैं, ये एक रिस्पेक्टफुली डायलॉग है। इसकी मुझे बताइए, आपको अमेरिका के टीवी चैनल पे कोई सूरत नजर आती है? ताहिर साहब, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि वहाँ पर कोर्ट्स हैं जी, और कोर्ट्स के बीच में ये लोग जाएंगे जी। प्रेसिडेंट ऑफ USA के ऊपर टिल ही इज द प्रेसिडेंट किसी किस्म का कोई केस नहीं चल सकता, नंबर वन, ठीक है। प्रेसिडेंट किसी भी इंसान को पार्डन कर सकता है, ठीक है, किसी भी इंसान को। एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मुझे आज तक नहीं समझ आई कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर कोई मर्डर भी करके आया तो उसको भी ये कह दे कि आप इसके ऊपर कभी केस नहीं चला सकते, उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, ठीक। तो जहाँ तक ये आदमियों के मैंने नाम लिए, उनको तो दे आर गोइंग टू बी पार्डन बिफोर ही लीव्स द ऑफिस, दैट्स नंबर वन। 10 दिन की बात है डॉक्टर साहब, वो तो ही इज गोइंग टू बी पार्डन, ठीक। उसके बाद ये तो पार्डन हो जाएंगे, पार्डन हो गए, उसके बाद भी 100 किस्म के केसेस आ सकते हैं। नहीं नहीं, केसेस तो आ ही रहे हैं ऑलरेडी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि अब तक 125 आदमी उन्होंने पकड़ लिए हैं, और 125 आदमियों के ऊपर बकायदा बड़े सीरियस केसेस जो हैं ये चलेंगे। देखिए, एक मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये प्रेसिडेंट जी डेमोक्रेसी में अगर कोई हार जाए क्या उसको ये एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी हार या नहीं, दैट्स नंबर वन जी। नंबर टू, अगर सुप्रीम कोर्ट जिसको के उन वो कहते हैं कि हमारी ये सुप्रीम है right. जिसमें उन्होंने मतलब इस वक्त 6 कंजर्वेटिव हैं, वो अगर यूनैनिमसली ये कह देते हैं कि नहीं यहाँ ये इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुए हैं जी, तो देन व्हाट वाज द नीड फॉर द प्रेजेंट प्रेजिडेंट टू कंटिन्यू एंड इनसाइड द पीपल, दैट्स आर माई क्वेश्चन है। नहीं डॉक्टर साहब, इसके दो बातें हैं। पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट कोई भी हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, अगर तो डेमोक्रेसी है और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है इलेक्शन रिजल्ट से तो वो कह सकता है ये सेटिस्फाई नहीं थे इलेक्शन रिजल्ट थे, तो वो हांड करते रहे ना प्रेसिडेंट ट्रंप को 4 साल तक। मैं आपको 6 महीने पहले का हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट दे सकता हूँ जिसमें उसने कहा कि इलेजिटिमेट प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज भी ट्वीट किया, एक तो हर वीडियो रिलेटिवली पॉजिटिव था उनका, दूसरा जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये बात की कि मैं इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा, ठीक है। उनकी ये मैं कोई उसको बहुत अच्छा जेस्चर अगर समझूं या ना समझूं ये अलग बहस है, लेकिन ये उसके पास हक है बिल्कुल, ठीक है। अगर 74-75 मिलियन उसके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, और 76-77 नहीं भी सपोर्टर हैं, अगर मैं कहता हूँ कि रेशो 10-90 की भी हो तो भी आपको बुरा भला कह सकते हैं,
लेकिन आपके पास राइट होता है। मेरा जवाब नहीं आपने ठीक है। नहीं, मैं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फाइनल वर्जन आ गया, वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड इन डेमोक्रेसी और नॉट, दैट्स माय वर्जन इज फॉरगेट अबाउट ट्रंप और एनीवन एल्स। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये भी पॉलिटिकल लीडर का हक होता है कि वो हायर कोर्ट को कहे कि जी मैं नहीं मानता। आप ये पॉलिटिकल पार्टी के डॉक्टर साहब आप बात करते हैं, मैं लॉ में आपसे ये चैलेंज करता हूं कि मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई स्टेटमेंट देती है और मैं उसे एग्री नहीं करता तो मैं कह सकता हूं कि मैं एग्री नहीं। दैट्स फाइन, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। नो, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन जो होता है जी, एक डेमोक्रेसी में उसका फाइनल जो चैप्टर था दैट वॉज क्लोज्ड in the Supreme Court and after that it is the duty of the person to accept Gore ne and ji election ko immediately accept kiya jabke 4-5 se aayi theek unki majority mein right way usne ye keh diya ki now we are one nation, we have to work towards that। मैं ये कहता हूँ कि इस किस्म का जज्बा अगर नहीं होगा, मैं तो वैसे देखिए मैं तो पर्सनली डेमोक्रेसी के हक में नहीं हूँ, आप हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई और रास्ता बता दीजिए। मैं कभी सोचूंगा, आई पर्सनली फील कि डेमोक्रेसी जो है ये फेवरेटिज्म को लीड करती है। एवरी डेमोक्रेसी लीड्स टू द फेवरेटिज्म, वो जो फेवरेटिज्म है दैट इज द बिगेस्ट क्रक्स ऑफ करप्शन। मैं आपसे पार्शियली इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन चूंकि कोई और रास्ता आप मुझे समझा देंगे, बता देंगे गवर्नेंस का, तो हम रास्ता आपको ना एक मिनट में बता देता हूँ। एनी वेयर आइदर इन इंडिया और एनी वेयर वेयर देर इज अ डेमोक्रेसी, एनी एम पी इफ देर आर 10 MPs, 20 MPs कंटेस्टिंग वन सीट, वंस नन ऑफ देम गेट्स 50%, देर शुड बी द टॉप टू शुड अगेंस्ट कंटेस्ट द इलेक्शन एंड द 50% मैन शुड गो इनटू द पार्लियामेंट, नो वन एल्स। डॉक्टर, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये सिर्फ एक डिफरेंट वर्जन है। नहीं, इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। डेमोक्रेसी की प्रोफेशन वो क्या कहते हैं, परिभाषा वो मुझे इस्तलाह बोल रही है, कोई भी उसके दुनिया में 3-4 उसके वर्जन चल रहे हैं, लेकिन वो सब के सब डेमोक्रेसी में ही आते हैं। वही मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं तो डेमोक्रेसी में इंप्रूवमेंट की बात की है। ठीक है, तो वही डॉक्टर साहब आप इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो, ट्रंप भी कहता है कि इंप्रूवमेंट की बात है। एक वीडियो देखते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ही रिलीज किया है। आई वुड लाइक टू बिगिन बाय एड्रेसिंग द हेनस अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल। Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high. But now tempers must be cooled and calm restored. We must get on with the business of America. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest the election results. My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our election laws to verify the identity and eligibility of all voters and to ensure faith and confidence in all future elections. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. 2020 has been a challenging time for our people. A menacing pandemic has upended the lives of our citizens, isolated millions in their homes, damaged our economy, and claimed countless lives. Defeating this pandemic and rebuilding the greatest economy on earth will require all of us working together. It will require a renewed emphasis on the civic values of patriotism, faith, charity, community, and family. We must revitalize the sacred bonds of love and loyalty that bind us together as one national family.
to the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you, and God bless America. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے دا پریزیڈنٹ ہو از ٹاکنگ اباؤٹ دی نیشن آف لا دا پریزیڈنٹ ہو از ٹاکنگ دیٹ وی ہیو ٹو میک ون نیشنل فیملی دا پریزیڈنٹ ہو از ٹاکنگ اباؤٹ ہیلنگ اینڈ ریکنسیلیشن کریئٹڈ دس ہول فیاسکو اینڈ کریئٹڈ اے سو کال ڈومیسٹک ٹیررسٹ ہو وینٹ ٹو دی ٹیمپل آف ڈیموکریسی پیپل لائک مچ میکونل پیپل لائک لنڈسے گرہم پیپل لائک وی پی پینس ہو اسٹوڈ ود him for the last 4 years with shoulder to shoulder جی. Ultimately they had to say that enough is enough, we can't take it more and that's the end of it and we cannot tolerate. Lindsey Graham wahi hain jo keh rahe hain enough is enough. 4 din pehle tak ye different statement de rahe the. I said the same, meri baat sunen aap. Ye Lindsey Graham wahi hai jisne انڈیا کے فورن منسٹر کو لاسٹ ایئر ایک فورم میں کہا کہ انڈیا کی ڈیموکریسی فریجائل ہے تو جے شنکر جی نے جو جواب دیا انہوں نے کہا سینیٹر یو بیٹر ٹیک کیئر آف یور ڈیموکریسی یو ہیو نو رائٹ ٹو اٹیک آن کشمیر ایشو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں یہ انشورنس بروکر سے زیادہ نہیں کوئی امپورٹنٹ ہوتا جن کو آپ اور میں آئیڈیالائز کرتے ہیں نا میں جو میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ تین آدمی تھے جو ڈے اینڈ نائٹ اس کی ہر بات پہ اس کے ساتھ کھڑے رہے لیکن کھڑے رہے ڈاکٹر صاحب نہیں کھڑے رہے میں جو کہہ رہا ہوں جو انسائٹ کیا اس نے پریزیڈنٹ نے اس کے لیے تو جو کنڈیم کرنا انسائٹ کو کنڈیم کرنا ہمارا فرض بنتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک بات تو قائم رہے نا آپ لنڈسے گرام کسی صورت بھی پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں تھا شروع دن سے 2 سال تک تو اس کی لڑائی رہی ہے اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہیل ریلیشن ود ٹرمپ ٹھیک ہے لیکن جب چڑھتا سورج ہوتا ہے تو ساتھ ہوتے ہیں جب ان کو پتا چلا کہ اب کہانی بند ہو چکی ہے تو انف از انف ڈاکٹر صاحب خیر یہ وہ باتیں ہیں جس پہ آپ اور میں 2 سال بھی باتیں کر سکتے ہیں ہمیں موو آن ہونا موو سے پہلے میں پھر آپ کو ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ جو ابھی ٹرمپ صاحب نے یہ تو رات کو میں سن کے سپیچ ان کی سویا تھا لیکن جو مارننگ میں انہوں نے ٹویٹ دیا کہ وہ اٹینڈ نہیں کر رہے ہی ول بی ناٹ دا فرسٹ پریزیڈنٹ ہو ول ناٹ اٹینڈ مسٹر ایڈم دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ڈڈ ناٹ اٹینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ انوگوریشن دا موسٹ امپورٹنٹ انوگوریشن ہی ڈڈ ناٹ اٹینڈ دیر آر اندر ٹو پریزیڈنٹس ہو ڈڈ ناٹ اٹینڈ دی انوگوریشن سو ہی ول بی دا فورتھ پریزیڈنٹ ہو وڈ ناٹ اٹینڈ سو اٹینڈ کرو نہ کرو دیٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرنس بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ از دیئر کہ امیرکا میں اس وقت جو پھاڑ جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں فاڑ ڈیوائڈیڈ جو ہو چکی ہوئی ہے دس از ناٹ اے ڈینجرس اونلی فار یو ایس اے دس از ڈینجرس فار دا ورلڈ کیونکہ 1852 کے بعد جو حالات بنے جیسے کہ الٹیمیٹلی سول وار ہوئی اس قسم کے حالات مجھے یہاں پر بنتے نظر آ رہے ہیں وچ از ویری ڈینجرس فار دا ہول ورلڈ دیٹس آل آئی وانٹ ٹو ایمفسائز اٹ از ڈینجر فار دا ورلڈ ناٹ فار یو ایس اونلی ڈاکٹر صاحب ورلڈ پر جتنا امریکہ کا اثر ہوگا وہ تو اب دنیا پہ ہو ہی چکا ہوا ہے وہ اس پہ ذرا بعد میں بات کرتے ہیں دیکھیے یہ جو انسائٹمنٹ کی بات ہے اگر ہم صرف اور صرف ایکسٹریم لیفٹ کی انسائٹمنٹ امریکہ میں جو چل رہی ہے فار اے لانگ ٹائم ہم اس کو اس ایک انسیڈنٹس کے ساتھ بھلا نہیں سکتے پریزیڈنٹ اور تھاؤزنڈ آف ادر پیپل آر آل ٹوگیدر ون پریزیڈنٹ جی گیونگ اینڈ انسائٹنگ پیپل has altogether different meaning than even millions of people. وہ جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ جو آپ کے اب پریزیڈنٹ ہوں گے وہ بھی جو ہے نا اپنا ڈیفینڈنگ پولیس کی بات کر چکے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے he is the one man who said no defending. جی نہیں نہیں وہ اور ان کی آپ کی یہ جو فیوریٹ ہیں کاملا ہیرس وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی بات چیت کر چکے ہیں میرے وہ مامے کی بیٹی نہیں مامے کا بھائی بیٹا کوئی بھی نہیں ہے ہمارا میرے وہ مامے کی بیٹی نہیں ہے وہ امی سے کسی کا نہیں ہوتا ہم تو اپنے ویوز جو ہوتے ہیں اپنے حساب سے دے دیتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری کی ساری انسائٹمنٹ ہے نا اٹس ناٹ فرام ون سائڈ آف دا آئل
میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ہسٹری کو اٹھائیں گے تو دوسری طرف آتی ہے. صرف اس بات کو آپ ڈاکٹر صاحب وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پوری دنیا کو کتنا نقصان اور فائدہ ہوگا. دنیا اب امریکہ کی ڈیموکریسی کی جو محبت ہے اس سے بھی واقف ہو چکی ہوئی ہے, چونکہ باہر کے ملکوں میں جو امریکہ نے ڈیموکریسی جس طرح لاگو کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آج تک کہیں لاگو کر سکے ہیں یہ افغانستان نہیں ہے, افغانستان میں گئے کر سکے, ان کی انٹینشن رہی ہے نہیں ہے, انٹینشن ہی نہیں تھی. ان کی انٹینشن ہی نہیں تھی, نہ یہ افغانستان میں لاگو کر سکے, نہ یہ لاگو کر سکے عراق میں, نہ یہ لاگو کر سکے کسی اور. ارے پاس میں کنٹری ہے کہ چھوٹا سا نکر آ گیا جی, اور ساتھ میں ایک اور چھوٹا سا کنٹری ہے جس کو کیوبا کہتے ہیں. نہیں کیوبا تو چلو دور کی بات ہے, وہ وینزویلا کے بارے میں صبح شام سٹیٹمنٹ آتی ہے تو کیا وہاں پہ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ یہ انسائٹ ہی کرتے ہیں نا جا کے. یہی میں کہتا ہوں کہ سم اور دی ادر. تو ڈاکٹر صاحب ان کے بارے میں اب دنیا کو اتنی چنتا نہیں ہے, اب ہم چنتا کرتے ہیں دنیا کی دو بڑی پاپولیشن کے کنٹریز کی, اس کے دربت وہ چنتا جنک ٹھیک ہے نا. دنیا کی دو بڑی پاپولیشن جو آلموسٹ میک دا 40% آف بوتھ ٹوگیدر آف دا ورلڈ پاپولیشن, ٹھیک ہے, چائنا اور انڈیا. فرینکلی چائنا اور انڈیا دونوں نے جو بھی ہم ان سے ڈس ایگریمنٹ کریں, خاص طور پر چائنا کے ساتھ, لیکن انہوں نے امریکہ کے بغیر زندہ رہنے کے اپنے طور پہ رستے نکال لیے ہوئے ہیں. یہ بات ایک ریالٹی ہے. بھارت نے اتنے برے حالات میں بھی جب امریکہ پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا رہا, چاہے کنزرویٹو آئے وہاں پہ چاہے لبرل آئے, وہی آئے ٹھیک ہے نا جی. وہ آپ کے کہنے کے مطابق وہاں پر جو پالیسی بنتی ہے وہ پینٹاگون بناتی ہے, پریزیڈنٹ کو لاگو کرتا ہے. نہیں پینٹاگون بھی نہیں, پینٹاگون بھی بناتا ہے لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب بہت سارے ادارے ہیں, اس میں اتنی کرپشن ہے, اتنی کرپشن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھارت نے بھی یہی پالیسی بنائی کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں چلتے ہو تو ہم نے تو اپنی زندگی گزارنی ہے. نہیں چھوڑی ہر کنٹری, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے اپنی اپنی راہیں نکال لی. آج دونوں کنٹری بھارت اور چائنا اپنی اپنی جگہ پہ پاس کے مقابلے میں کافی اسٹرانگ ہیں, پاس کے مقابلے, ٹھیک ہے, دونوں کنٹری, لیکن دونوں کے آپس میں اختلافات بھی ہیں. یہ جو نیا بیک ڈور ڈپلومیسی کا سلسلہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں, میں ایک بار پھر ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں, نیا سال شروع ہو گیا, ہمیں آپ کی ڈونیشنز کی بڑی سخت ضرورت ہے. پلیز آپ tagtv.info پہ جا کے ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر کسی بھی کریڈٹ کارڈ کے ساتھ آپ ڈونیشن اپنی دے سکتے ہیں. نیا سال ہے, ذرا دل کھول کے ڈونیشن جو ہے وہ دینی شروع کریں تاکہ یہ ٹیگ ٹی وی جو آپ کا ہے اس میں آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم کے اوپر کیا ریولیوشنری ڈھنگ سے یہ ٹیگ ٹی وی جو ہے یہ آپ کے سامنے پیش ہوا کرے گا. انگلش میں پیور انگلش 24 آورس, اینڈ آف کورس یہ جو آپ دو چینل دیکھتے ہیں ہمارے, آج کل دو چینل جو چل رہے ہیں جی وہ بھی چل رہے ہیں, لیکن وہ ایک اسپیشل چینل ہوگا جس میں آل اوور دا ورلڈ جہاں مین خاص کر کے کنٹریز ہیں جیسے کہ پاکستان ہوا, انڈیا ہوا, چائنا ہوا, ہانگ کانگ ہوا, یورپ کے کنٹریز ہوئے, انگلینڈ ہوا, یو ایس اے ہوا, وہاں پر ہمارے اپنے کورسپونڈنٹس ہوں گے جو کہ باقاعدہ ٹی وی کے اوپر لائیو آ کے اپنے اپنے کمنٹس دیا کریں گے اور لیٹسٹ نیوز کے ساتھ آپ کو جوڑا کریں گے. سو ایک بار پھر آپ کا دھنیواد کرتے ہوئے tagtv.info پہ ضرور جائیے. دیکھیے ہندوستان اور چائنا کی بات لگاتار چل رہی ہے, جو چیف آف سٹاف ہیں ہمارے ہندوستان کے انہوں نے بھی ابھی دو دن پہلے یہ بیان دیا کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی طرف بات جو ہے سرے نہیں چڑھ رہی. یہ راج ناتھ سنگھ انہوں نے بھی ایک ہفتہ پہلے کہا کہ بات سرے نہیں چڑھ رہی. جب بات سرے نہیں چڑھ رہی تو دیٹ مینز ان دی مین وائل چائنا جو ہے وہ بڑا اگریسو رول اڈاپٹ کر رہا ہے. چائنا وہاں پر ولیجز کے ولیجز بنا رہا ہے یہ کہہ کے کہ ہمارے یہاں پر چائنیز جو ہیں وہ آ کے ٹھہریں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, 90% وہاں پر صرف تو صرف آرمی کی ہی پرسنلز ٹھہریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آرمی پرسنلز میں فیملیاں بھی الاؤ کر دیں کہ چلو وہاں پہ انہوں نے رہنا ہے.
ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है काफ़ी ख़तरनाक, और इस ख़तरनाक एटीट्यूड में इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो दो चीज़ों से बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा है। कल ही न्यूज़ आई है, और वो भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से, कि 1952 के बाद दिस इज़ द वर्स्ट जीडीपी दे आर गोइंग टू हैव 7.7%। सो दे हैव वन इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी, एंड सेकेंडली दे हैव माइट ऑफ चाइना ऑल्सो एट द सेम टाइम। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे, मैं जो मैंने बहुत इस पर स्टडी किया, आपने मेरे से ज़्यादा की होगी, मैंने भी किया, कि चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा वो इतना ज़्यादा ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है कि हिंदुस्तान को वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, आप ताहिर साहब आप गए हैं वहाँ पर, लेकिन आप जो इनसाइड काम होता है ना उसकी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सम और द अदर आई एम रिलेटेड विद दी पोलिटिकल फैमिली फ्रॉम 57। वहाँ पर जब एक कोई प्रोजेक्ट बनना होता है ना दो साल में, वो कम तो पाँच साल में बनता। एक तो उसकी जो कॉस्ट होती है पहले, लेट्स अज्यूम की 200,000, दैट गोज़ टू 10,000, हाँ जी। तो इस किस्म के जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, प्लस ये जो दो डिफ़िकल्टीज हैं, एक कोरोना वायरस इस वक्त दोबारा वहाँ पर काफ़ी दोबारा फैलना शुरू हो गया है जी, और इंग्लिश जो लेटेस्ट कोरोना वायरस का फेज़ है वो भी वहाँ पर पहुँच चुका हुआ है, और फिर इकॉनमी, ये तीनों चीज़ें जो है ना दैट इज़ क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। लेकिन अल्टीमेटली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द आर्मी जो कि एन बिल्कुल रॉक की तरह खड़े हैं, और वो कहते हैं कि किसी किस्म का भी अगर हमारे साथ कोई झगड़ा करने की कोशिश करेगा, वी विल फाइट एंड वी विल गिव देम द रिप्लाई। दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग, दैट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट। एक एक जवान वहाँ जो है ना, हाँ जी, वो ये कहता है, उनकी इंटरव्यूज आती हैं, एक एक जवान वहाँ ये कहता है कि आई एम हेयर टू सी दैट नॉट इवन वन इंच गोज अवे। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है। ये तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद जो भारत की आर्मी के जवान हैं वो डटे हुए हैं, यही सबसे बड़ी पावर है। बाकी जो चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, या वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि भारत के जवान इसी तरह डटे रहेंगे। और एक और उम्मीद है कि पहली बार जो वेस्टर्नर्स हैं उन्होंने फील किया है अपने इंटरेस्ट की वजह से, भारत के फायदे के लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए पहली बार फील किया है कि हमने अब भारत के साथ खड़े होना है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या भारत की सरकार हो, वो इस मामले में रियलिस्टिक हैं। राजनाथ साहब का भी इंटरव्यू मैंने सुना, जयशंकर साहब का मैं बहुत फ़ैन हूँ, बहुत ही, शायद वो चूँकि रूटीन के पॉलिटिशियन नहीं है तो इसलिए वो खड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स हैं और विजनरी आदमी हैं। अच्छा, तो वो जो बातें कर रहे हैं बहुत रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, इवन राजनाथ साहब पॉलिटिशियन होने के बावजूद बड़ी विजनरी बातें कर रहे हैं, जो रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी बात वो गलत नहीं कर रहे। बस ये एक हौसला है कि भारत की ये सरकार चूँकि सिक्योरिटी के हवाले से टफ है और जवान मकम्मल तौर पर डिटर्मेंट है। अब जो चीन के जो रिसोर्सेज हैं, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाहिर है उसका मैच तो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसी हालात में हम देखेंगे आइंदा आने वाले। नहीं, मेरा एक सवाल आपसे। जी जी, देखिए चाइना बार बार मीटिंगें कर रहा है, जी, जैसे हिंदुस्तान भी मीटिंग कर रहा है, लेकिन उन मीटिंगों में से पहले फैसले भी हो जाते हैं, ठीक, फिर वो हफ्ते के बाद चाइना उसको तोड़ देता है। ये कब तक इस किस्म की मीटिंगें चलती रहेंगी? क्या अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके ये फैसला होगा या नहीं होगा या क्या होगा? डॉक्टर साहब, इस तरह के फैसले मैं नहीं समझता कि बड़ी आसानी से मीटिंगों के जरिए निकल आते हैं, जबकि चाइना का जो रवैया है वो एक्सपेंशनलिस्ट रवैया है, ठीक है ना। इस तरह के फैसले, इस तरह के, लेकिन ये मीटिंगें भी जारी रहना ज़रूरी होती हैं ताकि वो भी जारी रहे। फैसला मसल पावर से ही होता है, फ्रैंकली। देखिए, जब इंडिया ने बैंस की उनकी एप्स, तो ज़रा वो ठंडे हुए थे थोड़ा सा, मतलब। तो यही ये मीटिंगें भी साथ साथ चलेंगी, और फिर साथ साथ जितनी पावर है वो दोनों कंट्री जज करते हुए अपने मसल दिखाएंगे। यही इस ऑन गोइंग प्रोसेस है।
हाँ यही मेरा मतलब ठीक है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। नो ऑफ कोर्स ये ऑन गोइंग प्रोसेस है डॉक्टर साहब। अब हम क्वेश्चन भी थोड़ी देर बाद लेंगे, मूव ऑन होते हैं। मैं बातचीत शुरू करता हूँ कतर की सूरत हाल के हवाले से। ठीक है, कतर की जो सूरत हाल है वो सिर्फ और सिर्फ कोई ईरान की वजह नहीं थी जो इनके साथ बिगड़ी थी, खलीजी रियासतों के साथ ये बहुत बड़े दो फैक्टर्स थे। एक तो फैक्टर था ईगो का, ईरान से भी बड़ा फैक्टर था ईगो का, क्योंकि ईगो मिडल ईस्ट के शेहों में काफी पाई जाती है। पैसा बना देता है ईगो, ठीक है, पैसा जब आ जाता है ना जी, तो वो ईगो मतलब ईगो आपकी जेनेटिक्स में भी हो और फिर आपके पास पावर भी हो और पैसा भी हो तो फिर वो डबल डबल जो होती है ना टेम होटल की कॉफी वाली बहुत बल्कि ट्रिपल ट्रिपल हो जाती है। एक तो ईगो इन शेखों में बहुत पाई जाती थी, दूसरा मसला अल जजीरा का टीवी चैनल भी था जो कतरी उसको होल्ड करते हैं। कतरी उसमें ऑफकोर्स मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सॉफ्ट दिखाते थे, ईरान के बारे में भी सॉफ्ट रखते थे, ठीक है। तो ये जो सऊदी अरब के शेख और कतरी एक ही पेज पे हुआ करते थे बहुत साल पहले, लेकिन जब मुस्लिम ब्रदरहुड और आइसिस उससे आगे अलकायदा सऊदियों के लिए प्रॉब्लम बन गए तो वो उन्होंने शेखों से कहा कि ज़रा फंडिंग वंडिंग बंद करो, उनको सॉफ्ट पोर्ट्रेट करना बंद करो, तो वो कतरियों ने नहीं किया, शुरू में नहीं किया, ठीक है डॉक्टर साहब। अभी तक भी अल जजीरा में नहीं कर रहे, शुरू तो दूर की बात है। मैं कल रात का शो आपको दिखा देता हूं, मैं भी देखता हूं रोज जी, पर मैंने देखा कि रवैया उनका नहीं कल भी ईरान के बारे में पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, ठीक है। तो वो अच्छा, वो अभी तक वो सिर्फ उनको चढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इससे हुआ क्या कि यही आपके जो ट्रंप थे ये भी बीच में रहे, उनके दामाद भी बीच में रहे, चूंकि इनकी दोनों सुनते थे, कतरी भी सुनते थे सऊदी भी सुनते थे। खैर ये भी इनका फैक्टर था ये जो करीब आए, उसके साथ साथ सऊदी बेंट नहीं हुए या कवेती बेंट नहीं हुए। कवेत बीच में पड़ा है थोड़ी सी सुलह सफाई करने के लिए, मैंने ऑफ द रैकेट पहले बात किया, मैं ऑन द रैकेट ला रहा हूँ, जो कैनेडा में कवेत के एम्बेसडर्स हैं मेरी उनसे 3 मीटिंग्स हुई। वो एक दफ़ा हमारे स्टूडियो में आए थे टैग टीवी में पिछले साल, उनका एक बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था और वो बड़े ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो शेखों के खास फैमिली के। तो मैं उनसे सिर्फ जानने के लिए, मैं ऑटवा में उनके ऑफिस में 2 बार गया कोविड से पहले, ये जानने के लिए कि वो क्या इसमें करना चाह रहे हैं। तो कवेती इसमें अपना किरदार अदा करना चाह रहे थे, अल्टीमेटली वो किरदार अदा हुआ है। मैं ये समझता हूँ ताहिर साहब जी कि कतार जो है, पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का रिसोर्सेज हैं 2 कंट्रीज, रशिया एंड कतार, कतार उसमें एक है, दैट्स नंबर 1 जी। तो उनको वो बड़ा प्राउड भी हो सकता है। नंबर 2 मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर जो इस वक्त साउथ जो यूएई जी और सऊदी अरेबिया में एक ही समझता हूँ, मैं सऊदी अरेबिया और यूएई को अलग नहीं समझता, कभी कभी लागू भी हो जाते हैं बिल्कुल होते हैं लेकिन ज्यादा तौर पर हाँ वो मतलब उनके बिजनेस इंटरेस्ट चलते हैं, वो तो यूएई का ही हिस्सा था कतार भी जी। लेकिन अब दोबारा जब इनकी हो गई है एक किस्म की एग्रीमेंट आपस में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी चपेट है, और सीरिया में इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी एक काफ़ी लंबा इफेक्ट हो सकता है, और आने वाले टाइम के ऊपर जो वहाँ पर असाद साहब बैठे हुए हैं रशिया और ईरान की मदद से, हो सकता है कि उनकी सीट भी जो है वो खतरे में। मैं इसको बड़ा लंबा देखता हूँ जी। हाँ जी, अब इसमें आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई इनकी आपस में फ्रेंडशिप से जो सीरिया, क्योंकि आई एम नॉट बॉदर्ड, इनके पास तो पैसा रहना ही रहना जी जी, आई एम बॉदर्ड अबाउट कि अल्टीमेटली हैं जी सीरिया और जो झगड़ा है वो कहाँ पर जाके ख़त्म होगा। नहीं नहीं देखिए जी, सीरिया का जो मामला है, सीरिया इज बैक्ड बाय रशिया मेनली, रशिया एंड ईरान, ठीक है। ईरान के अब वो औकात नहीं रही पैसे की, उनके पास पैसा नहीं रहा, फौजें ईरान की वहाँ पर, फौजें डॉक्टर साहब जरूर हैं, उन फौजों को भी तो पैसा देना पड़ता है ना सैलरीज वाली, कि ईरान का बहुत ही बुरा हाल है, ईरान की इकोनॉमी का बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है ना। अच्छा तो वो सीरिया जो है, सीरिया भी बैकडोर डिप्लोमेसी जो हमें इंफॉर्मेशन आई है डिफरेंट थिंक टैंक से, वो भी सऊदियों के साथ कर रहा है, और उस बैकडोर डिप्लोमेसी में भी
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ شامل تھے. چونکہ یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے, یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ جی یہ بلیک بالکل ادھر ہے, یہ وائٹ بالکل ادھر ہے, اس میں بہت سارا گرے ایریا ہے اس ساری سچویشن میں. تو چونکہ اس میں مڈل ایسٹ کے بہت سارے اسٹیک ہولڈرس انوالو ہیں, ایون اسرائیل تک اس میں انوالو ہے, بلکہ بہت زیادہ انوالو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دوستی آپس میں دوبارہ بننا نیچرل تھی. سیریا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں اب یہ عرب اسٹیٹس کے ذرا بہتر ہوں گے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, اس لیے کہ بشر الاسد کو بھی اس کو سالو کرنا ہے. مڈل ایسٹ میں وہ اتنی جو ڈیسٹیبلٹی ہے وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. صرف ایران اپنی یہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے بیوقوفانہ اس کو بند کر دے تو وہ ایران کو بھی برداشت کسی حد تک کرنے کو تیار ہیں عرب کنٹریز, اگر ایران ان کے لیے تھریٹ نہ ہو. اگر ایٹم بم یا جو نیوکلیئر ویپن ہے اس کو ایک طرف نہ جائے, مجھے یہ بتائیے کہ 20% کو جی انرچ کر کے جی یورینیم کو, واٹ دا ہیل از ہی تھنکنگ؟ 90% چاہیے, دیٹس نمبر ون. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, نہیں دوسرا دنیا کو آپ نے اپنے اگینسٹ کیا ہوا ہے, تیسرا جس کا دل کرتا ہے اس کی گردن کاٹ دیتے ہو وہاں پر, ذرا بھی کوئی بولے نہیں. وہ بہت ہی بری باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ایٹم بم ان کا کوئی تھریٹ فرینکلی نہیں ہے. ان کے ایٹم بم کے نعرے کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, لوگوں کو بہانہ مل جاتا ہے چلو ذرا ان کو پکڑے. ایٹم بم تو اس سے زیادہ پاکستان کے پاس ہے, تو پاکستان کتنا وہ اسلامک بم کہتا ہے نا, وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ ایٹم بم ہے, تو وہ اسلامک بم کتنا مسلمان کنٹریوں کے مطلب وہ کام آیا ہے یا آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ڈاکٹر, اس لیے کہ دنیا اب ایٹم بم کو چلنے نہیں دے گی آسانی سے, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایٹم بم تو ان کے پاس ہے بھی نہیں. سعودیوں کو ان سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے جہاز جاتے ہیں بحری جہاز وہ عرب اوشن میں اور سارا وہاں سے یہ ان کی پائپ لائن جو ہے نا تیل کی پائپ لائن کو یہ تباہ کرتے ہیں, ان کے لیے یہ ایٹم بم ہے ایران کا اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب ان کو ایران سے خطرے کم ہو گئے ہیں ریلیٹیولی, کیونکہ ایران کے پاس اب اس قسم کی کیپیسٹی نہیں رہی ہے, ملٹریلی کیپیسٹی نہیں رہی ہے, پیسہ نہیں رہا. سب سے بڑی بات لوگوں کی جانیں لینے کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے, ایسے جان نہیں جاتی, یو ہیو ٹو پے اے لاٹ آف منی, سو دیئر فور دے آر ہیونگ دیئر اون ڈیفیکلٹیز. لیکن الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطار کا جو باہر رہنا تھا نا وہ اچھی بات نہیں تھی, قطار کا بیچ میں آنا اور ان کے ساتھ مل کے جی آپس میں ایک دوبارہ گروپ سالڈ بن جانا, دیٹ از اے گڈ تھنگ فار انڈیا ایز ویل ایز فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ہاں نہیں ٹھیک ٹھیک, ہندوستان کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہندوستان کو بہت نیچرل گیس چاہیے. رائٹ رائٹ, ترقی کرنے کے لیے دے نیڈ اے لاٹ آف نیچرل گیس. ہاں جی, تو وہ جو عمان سے ان کا چل رہا تھا, عمان تو کافی دور پڑ جاتا ہے, رائٹ رائٹ, لیکن اگر قطار سے ہو جائے ادھر سے مل جائے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم کوشچن لینا شروع کرتے ہیں مگر ایک بات جس کو میں دو تین منٹ میں ضرور ڈسکس کروں گا, مجھے بہت ہی ہرٹ فل لگا اسٹیٹمنٹ عمران خان کا. آج کو پہلی بار نہیں ڈاکٹر صاحب, دس از ٹو مچ. وجہ یہ ہے کہ ایک کمیونٹی جس کے مرد مارے جا چکے ہیں بیشتر, بہت ہی وہ پیسفل کمیونٹی ہے ہزارہ شیعہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ ٹارگٹ بنتے ہیں, اور پتہ ہے پاکستان کی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کے چہیتے ہیں جو اسلامسٹ شفیق مینگل جس نے آئسس بنائی ہوئی ہے بلوچستان میں اور اکراس افغانستان, اور وہ اس کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں ان ہلاکتوں کی. وہ کہنا ہم نے بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ ظالم کہ ہم نے مارے ہیں, پہلے بھی وہ انہوں نے ذمہ داری دی اور وہ ان کے چہیتے ہیں, اور عمران کا یہ کہنا کہ جی بلیک میل نہ کریں مجھے, وہ بیچاری اب بچیاں چھوٹی چھوٹی کہہ رہی ہیں کہ ہم پرائم منسٹر آپ کو کیا بلیک میل کریں گے. سیڈ, ویری سیڈ, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کوشچن لینا شروع کرتے ہیں اپنے ویورس کا بھی. ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس ڈاکٹر صاحب آپ اور میں جانتے ہیں کہ بہت ہی ریگولر کنٹریبیوٹر ہیلپ بھی کرتے ہیں جی, ٹھیک ہے, ان کا بہت بہت دھنیواد. ہم نے کافی اوپینین دی ہے لیکن انہوں نے پھر پوچھا ہے واٹ از ویو آن یو ایس رائٹ گوئنگ آن یو ایس, واٹ از یور ویو, ڈو یو تھنک دیر از
China behind in this right to destabilize US so they don't take action against them? Your view? देखिए मैं इसको नहीं समझता, ये US का बहुत ही इंटरनल सा मामला है, उनकी अपनी डिवेसिवनेस है. डॉक्टर साहब, बेसिकली US इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग ऑल दीज काइंड ऑफ. मैंने तो डेमोन्स्ट्रेशन जनाब साउथ वियतनाम की देखी हुई हैं, ये तो कुछ भी कुछ नहीं भी है. ठीक है, मिलियन मिलियन पीपल ऑन द रोड, आई हैव सीन दोज डेमोन्स्ट्रेशन, एंड आई हैव सीन मार्टिन लूथर डेमोन्स्ट्रेशन. सो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. लेकिन हाँ, जो अटैक हुआ है अपने उस पर कैपिटल हिल के ऊपर, दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट्स ऑल. जी आगे क्वेश्चन और भी आ रहे हैं हमारे पास. याश साहब भी रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं. पाकिस्तान गॉट वेरी रिच एरिया लाइक पंजाब, बंगाल एंड सिंध, पाकिस्तान एंड मोर चांसेस टू ग्रो, बट स्टिल डिडंट गेट डेवलपमेंट. देखिए याश साहब, अब बंगाल तो खैर नहीं रहा इनके पास इन्हीं हरकतों की वजह से, तो डेवलपमेंट सिर्फ रिच एरिया की वजह से नहीं होती. मैं ये कुदरत, मैं यूनिवर्स को ही अपना गॉड मानता हूँ. यूनिवर्स ने, मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि हर धरती को कुछ ना कुछ दिया हुआ है. तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे जापान है, जिनके पास अपेरेंटली आपको को बहुत ज़्यादा रिसोर्स या मिनरल नज़र नहीं आते, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है. तो ये डेवलपमेंट जो होती है ना, सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अगर मोबिलाइज करेंगे तो डेवलपमेंट होती है. डॉक्टर साहब, आप क्या? मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार भी ताहिर साहब ने आपको बताया था कि है क्या अरब कंट्रीज के पास स्वाय ऑयल बेचने के, कुछ नहीं है. अब इन्होंने जापान की बात की. देखिए, नेशन का जो करैक्टर होता है ना, जब नेशन अपने आप में एक करैक्टर पैदा कर लेती है कि यस आई वॉन्ट टू मेक माई कंट्री नंबर वन, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता. फिर दुनिया की हर तरफ से चीज़ें भी आ जाती हैं और वो कंट्री भी बन जाता है. आई मीन जापान हैज़ नथिंग, लेकिन देखिए दुनिया की इस वक्त जी थर्ड इकॉनमी पर बैठा हुआ है, थर्ड इकॉनमी. और जितने ज़्यादा नेचुरल कैलमिटीज़ उनके ऊपर आती हैं, दुनिया में किसी कंट्री के ऊपर नहीं आती. डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने बात की. क्वेश्चंस और आ रहे हैं. कोर्ट लवर का है कि डू यू थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया वॉज सिंपथाइजिंग वायलेंस ऑन ट्रंप सपोर्टर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन US दैट इंसाइटेड वायलेंस? नहीं, मैं इस तरह तो खैर नहीं देखता भैया. मैं ये देखता हूँ कि अब मीडिया जो है मेन स्ट्रीम, सिर्फ US का नहीं पूरी दुनिया का, काफ़ी वो अपनी जगह पर पॉलिटिकल पार्टी ही बन चुका हुआ है. तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब एक ख़ास सोसाइटी का तबका, चाहे वो किसी भी साइड का हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर का हो, अगर वो इग्नोर होगा, उनको आप स्पेस नहीं देंगे, तो फिर एक्शन का रिएक्शन होता है. वो उसको मैं फिर भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को एनालाइज ज़रूर करना है. मीडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया जब तक कॉरपोरेट हाउसेस के हाथ में रहेगा, तब तक मीडिया की अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो कभी नहीं आएगी. आप ये देखिए कि बड़े बड़े जो चैनल्स हैं अमेरिका में, हिंदुस्तान में, हु ओन्स देम? अरे बेजो दुनिया का, अब तो क्या सेकंड रिचेस्ट मैन रह गया, वो टेस्ला का नंबर वन बन गया, वो सेकंड. वाशिंगटन पोस्ट, हाँ जी, उस शख्स के लिए क्या फ़र्क पड़ता था अगर उसने कुछ बिलियन दे दिए, उन्होंने कहा जी इतने बिलियन ले लो भाई. मतलब ये जब तक कॉरपोरेट हाउसेस मीडिया से बाहर नहीं निकलेंगे, मीडिया यू विल नॉट बी एबल टू सी द वे we used to see in 50s and 60s. Yeah, ठीक ठीक कहते हैं आप. मीडिया की इंडिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रही, ख़ासतौर पर बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस की. वो मकम्मल तौर पर अपने डोनर्स, अपने फिनेंसर्स की बांसुरी बजाते हैं. कुछ क्वेश्चन और लेते हैं. अविनाश जी का क्वेश्चन है, भारत का किसान आंदोलन भी वायलेंट होने वाला है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? डॉक्टर साहब, ये आपके लिए सवाल. नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये वायलेंट होने वाला. अगर वायलेंट होना होता तो आज इतने दिन हो गए हैं, वायलेंस हो सकती थी. देर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी कि जब एक कोई भी एजिटेशन लंबी हो जाती है तो उसमें वायलेंस आ जाती है, क्योंकि जो यूथ होता है वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है और उसकी हेल्पलेसनेस जो है ना उसको नज़र आनी शुरू हो जाती है. तो मैं तो ये समझता हूँ कि कल मीटिंग, आज मीटिंग हुई थी, अब चार पाँच दिन के बाद फिर मीटिंग है. इस मीटिंग में इनको फैसले कर लेने चाहिए. तकरीबन सारी बातें मानी जा रही हैं. एक MSP है, MSP भी मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है कह देगी कि हमें दे दो. देखिए
गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो किताब है उसकी जिल्द वही रहने दो, मतलब उसके जो बाइंडिंग है वो वही रहने दो, बीच वाले पेपर हम सारे बदल देते हैं। अरे भाई कौन सी इतनी बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि हमें इतना ईगो है कि हम, अरे अपना काम करवाओ, कानून बदलवाओ, जो करवाना है MSP लिखवाओ, बात ख़त्म करो। पहले वो तीन मान गए हैं, अब MSP और एक दो और मान। आप ये कहो सरकार को कि हम तीनों कानून ही बदल दो, टू मी इट सीम्स लिटिल वेरी वेरी डिफिकल्ट। नहीं, आपने डॉक्टर बड़ी अच्छी बात की, ये मेरे लिए भी मेक सेंस नहीं कर रही है। मुझे भी हैरत है कि काफ़ी कुछ सरकार मान गई है अपनी फेस सेविंग के लिए। वो वही जो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किताब रहने दो, उसका फ्रंट टाइटल वही रहने दो, अंदर पेजेस बदल देते हैं। तो वो जो नहीं मान रहे, मुझे फिर वही कहना पड़ता है कि वो एक तरह से बहुत ही पोलिटिसाइज हो चुका हुआ है। वरना जब 90% बातें ऑलमोस्ट मानी जा रही हैं तो उसको आप खत्म करें इस मामले को। देखिए 100% तो कभी माने नहीं। यस, नेगोशिएशन अक्सर क्या होती है, फिर क्या फायदा, फिर नेगोशिएशन क्या फायदा, फिर तो नहीं है ना। फिर तो ठीक है भाई, कर लो जो ठीक है। आप उनमें बातचीत करें, कुछ बात आपको मेरी ना सुन सकें, कुछ बात मैं आपकी ना सुन सकूं, एग्री करें ना करें, तो वो फिर बातचीत तो नहीं होती ना जी। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। समन जी का क्वेश्चन है छारदा जी से, डू यू सी द वायलेंस बाय ट्रंप सपोर्टर इज अ रिप्लाई टू ब्लैक फायर लाइफ मैटर्स। डॉक्टर साहब देखिए, जब किसी भी कंट्री में डिवीजन हो जाता है, सोसाइटीज डिवाइड हो जाती हैं, एक सोसाइटी है देखिए वाइट सुपरमेसी, वहाँ पर 18 सेंचुरी से ऑनवर्ड है, ख़त्म नहीं हुई वो, तो वो अलग चीज़ है। ब्लैक जो है उनको अभी पिछले 1965 से उनको हक मिले हैं, तो उनका अपने थोड़े से मेंटल इश्यूज हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये उसकी वजह से हुई है, ये वैसे ही वो ये महसूस करते थे कि हमारा प्रेसिडेंट जो है, जो एक हमारी बात करता है, उसको कैसे नहीं वो जीता। इट वाज इंटरनल टसल बिटवीन देम। राइट, चलिए ये अहम बात है जो डॉक्टर साहब ने की। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इससे पहले कि हम वाइंड अप करें। असीम चांदना जी का है आपके लिए डॉक्टर साहब, क्वेश्चन है कि इंडिया सीज न्यू एक्सप्रेस वेज रेलवे कॉरिडोर्स बीइंग इनॉग्रेटेड एवरी अदर डे अंडर आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग फास्टर देन यू कैन इमेजिन। नहीं सर, अगर आप रियलिटी में जाएँ तो आप रियलाइज करेंगे कि जो इनाग्रेशन होती हैं, दैट डज नॉट मीन कि इट हैज़ बिकम द प्रोजेक्ट इज़ देयर ऑलरेडी। ये जो इनाग्रेशन होती हैं, ये पॉलिटिशियंस का काम होता है कि इनाग्रेशन करते रहें ताकि उनके जो फट्टे हैं वो लगते रहें। इनाग्रेशन डज नॉट मीन द प्रोग्रेस हैज़ टेकन प्लेस। येस, थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज डेफिनेटली देयर। वेन मिस्टर मोदी केम 6 years बैक, इट वॉज देयर, येस समथिंग वुड हैपन। लेकिन पेंडेमिक और इकॉनमी, मैं ये समझता हूँ पिछले 2-3 साल से जो सेटबैक पहुँची हुई है, जब तक उसको वो रियलाइज नहीं करेंगे, देयर वॉन्ट बी ए मनी, यू नीड ए मनी। अच्छा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि जापान के साथ 60 बिलियन का फैसला हुआ था, पैसा नहीं आ रहा। जिन्होंने फैसले कर भी लिए हैं ना जी, जिन्होंने मतलब साइन भी किए हुए हैं उनको, वो क्योंकि वो आप मुसीबत में है। The whole world is going through at this time in a traumatic time. The COVID-19 for the last 1 year has simply stopped everything everywhere. ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और मैं पर्सनली इतना ही इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी एफर्ट्स किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खासतौर पर जम्मू और कश्मीर में हुए, और भी कंट्रीज़ में हो रहे हैं, लेकिन इकॉनमी एक चैलेंज है, ख़ासतौर पर कोविड से पहले भी था, और अब कोविड ने तो बहुत ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। सिर्फ अब इंडिया का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट में कहा कि भारत अब एक ऐसा देश है कि जहां पर स्लो प्रोग्रेस भी चलेगी नहीं, बहुत फास्ट प्रोग्रेस होनी होगी। अब देखते हैं कि कोविड के, अभी तो कोविड के बाद कहना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। अभी तो कोविड जो है वो अपना सेकेंड रूप लेकर सामने आया, विच इज़ मोर डेंजरस। और इस किस्म की अगर लॉकडाउन और होने शुरू हो गए जी, तो दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द होल वर्ल्ड। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अब यही हम दुआ करते हैं यूनिवर्स से, मैं तो यही कहूँगा कि ये वैक्सीन जो है ये काम करे। लेकिन वैक्सीन पहुँचते भी डॉक्टर साहब एक साल तो लग जाना है। मैं नहीं मान, देखिए 8 बिलियन लोग हैं, यहाँ पर वैक्सीन पहुंची हुई थी। अब देखिए मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों को, हम ओंटेरियो कैनेडा के एक स्टेट है, उसमें रहते हैं, और वहाँ टोरंटो
سٹی ہے کینیڈا کا سب سے بڑے, اس ایریا میں ہم رہتے ہیں. لیکن ویکسین یہاں پہنچ گئی, یہاں کے جو پریمیئر ہیں, جو چیف منسٹر ہیں, ان کو یہاں پریمیئر کہا جاتا ہے. ہاں جی, تو وہ جو پریمیئرز ہیں ان کیا اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کو فریج میں رکھا ہوا ہے, لگایا لگا نہیں رہے, وہ لگانے کے انتظامات نہیں ہیں. اور ابھی یہ چند ہزار ڈوزز آئی ہیں, ابھی تو جو انٹیریو کی پاپولیشن 13-14 ملین ہے ہمارے پروونس کی, ٹھیک ہے نا, اس میں ابھی یہ چند ہزار ابھی آئی ہے اور وہ بھی ابھی تک نہیں لگ پا رہی. اس سے چیلنج. آخری دو کوشچن لیتے ہیں امول جی کا. ریمبر کپل آف منتھس بیک آئی آسک کوشچن, واٹ ایف ٹرمپ ڈونٹ ایکسیپٹ مینڈیٹ اینڈ ریفیوز ٹو ویکیٹ وائٹ ہاؤس, could possible after Washington rights, but now do you think 25th amendment can be applied? میرا خیال ہے کہ مشکل ہے اپلائی کرنا, چونکہ اس میں وائس پریزیڈنٹ اس حد تک جائیں, تو میرا نہیں خیال نہیں ہونی نہیں. 25th amendment will not take place. The reason is very simple. You need vice president to go and get more than 50% of the ministers. اور ministers جو ہیں ان میں سے دو نے ریزائن کر دیا, جو باقی کے ministers ہیں they are very very loyal, including Pence. They are very very loyal to Trump and they would not like to see Trump go in the last 12 days. So they will just keep eye that he doesn't do something very different. Otherwise, I think there won't be any amendment. Yeah, اور پھر جو کل رات کو ٹرمپ صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی بھی ہے, وہ لگتا ہے کہ اب وہ ان کے ارد گرد کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ 12 دن تو گزرنے دے, پھر بعد میں دیکھیں گے. جی, آخری کوشچن دیتے ہیں. جی, چال باز ایک یوٹیوب کا ایک اکاؤنٹ ہے, علی بابا فاؤنڈر مسنگ کے بارے میں بولیے. جی, اب وہ جیک ما جو ہیں واقعی مسنگ ہیں, اور وہ بھی بہت بگ گن ہیں. کمیونسٹ پارٹی کے پولٹ بیورو میں آفیشلی تو نہیں تھے, ان آفیشلی جتنے وہاں کے بلینرز ہیں. اب کیا اختلافات ہوئے شین کے ساتھ؟ نہیں, وہ گورنمنٹ آف چائنا کا کل بیان آیا کہ وہ باقاعدہ ہماری حفاظت میں ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کے بارے میں آپ بہت چنتا نہ کریے. آپ کو پتا کہ جب بھی کوئی بھی چائنا میں ایک بہت انٹرسٹنگ سا جو فینومینا ہے, آپ نے جب بھی چائنا کی گورنمنٹ کے بارے میں یا زی کے بارے میں کچھ کہا تو آپ کو وہ اٹھا کے بڑے پیار سے جیل میں ڈال دیتے ہیں, اگر کچھ اور زیادہ کہو گے تو گردن بھی کاٹ دیتے ہیں. سو اس لیے ان کو آبزرویشن میں رکھ, جو ہوتا نا بیمار ہو جائے انڈر آبزرویشن, تو ان کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا کہ تو آدمی بن جا نہیں تو. اور پھر ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, جیک ما جیسے جو لوگ ہیں جو بہت ہی بگ گنز ہیں, وہ خود بھی کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں, وہ مطلب ان کے اپنے کمیونسٹ پارٹی کے اندر بہت ریزورٹ. اچھا ڈاکٹر, فرینکلی ان کے ہائر لیول پہ بھی اور نچلے لیول پہ اتنی کرپشن ہے چائنا میں, اتنی کرپشن ہے, ون آف دی موسٹ کرپٹڈ کنٹری ہے ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اچھا, اور پھر ڈاکٹر صاحب وہ امریکہ بھی ہو, آپ چائنا تو چھوڑیے, دنیا کا کوئی خطہ ہو, منی ٹاکس سمپل یہ بات ہے. اینڈ ہی از دی ریچسٹ مین آف چائنا, ریچسٹ مین آف چائنا. اور علی بابا, میں آپ کو بتا دوں, آپ حیران ہوں گے جب میں نے یہ میں پڑھتا ہوں, علی بابا از بگر دین ایون امیزون. کین یو امیجن پاپولیشن ڈاٹ صاحب, یہ تو 330 ملین کے ادھر لوگ ہیں اور کینیڈا بےچارا 35 ملین ہے, اور یورپ جو ملا کے وہ بھی لیس دین بلین لوگ ہیں, وہ اکیلا جو چائنا ہے وہی 1.4 ملین. تو ڈاکٹر صاحب, جہاں منی ٹاک ہوتی ہے وہاں نمبر ٹاکس ٹو, چونکہ نمبر منی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یہ ایک ریالٹیز ہیں. آج کا برین بسٹ جو سپر چیٹ تھا میرے ساتھ اور ڈاکٹر رنویر شاردا جی کے ساتھ, دیکھنے سننے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اس کو کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ کلوز کریں گے. میں صرف آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں کہ آپ tagtv.info کی ویب سائٹ پہ جائیے, یا tagtvsouthasia.com کی ویب سائٹ پہ جائیے, یا ہمارے اس یوٹیوب کے چینل پہ آپ کو ڈونیٹ کا بٹن ہر جگہ پہ ملے گا, آپ کلک کیجیے. کریڈٹ کارڈ کے راہیں, پے پال کے راہیں 24/7 کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کی کنٹریبیوشن ہمارا جو یہ نریٹو پریوار ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہر منڈے کو اور ہر فرائیڈے کو سپر چیٹ آپ کے ساتھ لائیں. پہلے وینسڈے کو بھی لاتے تھے, لیکن اب ہم وینسڈے کو سپر چیٹ کی بجائے آپ کے ساتھ بہت بڑھیا بڑھیا گیسٹ لایا کریں گے. تو
तो बातचीत डॉक्टर साहब क्लोज करेंगे आज के ब्रेन बस में। बस आपने सब कुछ बता ही दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, tigertv.info पर जाके जितना भी डोनेट आप कर सकें, आपकी डोनेशंस की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये अब 2021 आ गया और 2021 को हम एक रेवोल्यूशनरी ईयर बनाना चाहते हैं फॉर टैग टीवी। आपकी मदद से, आपके आपके ही प्यार से, आपके ही आशीर्वाद से ये आगे बढ़ सकता है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। इन द मीनवाइल एक बार फिर आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।